Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Now coming to the question number 6 of exercise 3.4, and the question is, a number is divisible by 5 and 12. कोई एक number है जो 5 से भी divisible है and 12 से भी divisible है. By which other number will that number be always divisible? तो वो question पूछता है कि और ऐसा कौन सा number है जो उस नंबर को पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. जैसे इसको हम समझते हैं कि मान लो वो नंबर x है, कोई एक नंबर x है और x जो है हमारा वो 5 से भी डिविजिबल है और वो 12 से भी डिविजिबल है. तो आगे वो क्वेश्चन कर रहा है, तो ऐसा और कौन सा नंबर होगा कि x जो है उससे भी डिविजिबल होगा. ओके, सो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक 672 एक नंबर ले लिया मैंने. अब देखो 672 जो है हमारा, एक तो ये 2 से डिविजिबल है. क्यों है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 2 है. तो अगर ये इसके यूनिट प्लेस में 2 है तो इट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल है. और 2 के बाद क्या आता है? 3. 6 and 7 13 13 plus 2 15. 15 जो हो, 15 3 के टेबल में आता, दैट मीन्स कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है. अगर अब देखो 2 से भी डिविजिबल है 672 एंड 3 से भी डिविजिबल है. और अब हमें क्या पता है कि ये और किस से डिविजिबल होगा? ये 6 से भी डिविजिबल होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है. राइट, अब देखो ये 6 और कैसे आ सकता है? 2 into 3 अगर मैं करूँ तो 6 आता है. यानी कि जो ये जो नंबर जिससे डिविजिबल होगा, अगर मैं 5 into 12 कर दूँ विच इज़ 60, तो ये जो नंबर होगा x, ये 60 से भी डिविजिबल होगा. क्योंकि जो फैक्टर्स निकलते हैं उसको डिवाइड, जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ये ना इस नंबर के, उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा, ये नंबर उससे भी डिविजिबल होगा. सो आंसर इज 60. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 60. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.